सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भ्रष्टाचार से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें रेलवे और सरकारी बैंकों के खिलाफ सामने आई हैं। ये अहम जानकारी एंटी करप्शन बॉडी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC की हालिया रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। साथ ही उसमें ये भी कहा गया है कि अधिकांश शिकायतों में आरोप स्पष्ट और गैर सत्यापित पाए गए हैं। कमीशन को कई शिकायतें राज्य सरकार और अन्य संस्थान जो कि आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं या फिर ऐसे मामले जो प्रशासनिक प्रकृति के हैं, ऐसी भी कई शिकायतें सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मिली हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि CVC को वर्ष 2014 में 62,362 शिकायतें, वर्ष 2013 में 31,432 शिकायतें, वर्ष 2012 में 37,039 शिकायतें प्राप्त हुई थी। CVC को सीधे तौर पर शिकायत करने के अलावा करीब 60,000 शिकायतें विभिन्न विभागों के चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स को भी की गई हैं। विस्तृत जानकारी देते हुए CVC ने बताया कि सबसे ज्यादा 12,079 शिकायतें रेलवे कर्मचारी के खिलाफ की गई हैं। रेलवे कर्मचारी के खिलाफ कुल 1,037 शिकायतें 6 महीनों से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। CVC ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि कुल 8,243 भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दिल्ली जल बोर्ड, नॉर्थ ईस्ट और साउथ दिल्ली सिविक बॉडी और नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ मिली है। वहीं 8,018 शिकायतें कई बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ मिली है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।